Good morning, students of 6th class. Today in this video lecture we will discuss chapter 11 of English grammar and the topic is verbs be, have, do. Yesterday we have studied about verbs and kinds of verbs. What is verb? A verb shows an action, an event or a state. कोई भी सेंटेंस में क्या काम हो रहा है तो वो किसके द्वारा शो होता है, वो वर्ब के द्वारा शो होता है. कोई भी सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, वर्ब ही हमें ये बताती है. सो वी हैव स्टडीड द काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. तो हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था कि जो वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसकी आगे टू काइंड्स होती हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सेकंड इज मोडल ऑक्सिलरीज. तो जो ये ऑक्सिलरी है इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी इसे कहते हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब. तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी थी, बी, डू एंड हैव. सो लेट्स स्टार्ट. We know that the verbs be, do and have are used as main and auxiliary verbs. ये जो verbs है ना, be, do and have, ये main verb की तरह भी use होती हैं और helping verb की तरह भी use होती हैं. जब ये sentence में अकेली हो तो ये main verb की तरह use हो जाती हैं और अगर इस sentence में इनके साथ दूसरी verb हो तो ये helping verb की तरह use होती हैं. द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे कोई भी वर्ब है, ईट, एट, ईटन, एक प्रेजेंट की है, एक पास्ट और एक पास्ट पार्टिसिपल. इन द सेम वे बी, डू और हैव की भी फॉर्म होती है. जैसे इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए यूज होता है, वाज वर्ब पास्ट के लिए. डू की फॉर्म क्या होती है, डू, डस, डिड. डू डस प्रेजेंट और डिड पास्ट में. और हैव की क्या होती है, इन द सेम वे हैज, हैव, हैड. हैज, हैव प्रेजेंट में यूज होते हैं और हैड पास्ट में. आर यूज टू इंडिकेट द टेंस ऑफ द मेन वर्ब. और ये अगर मेन वर्ब आए तो ये क्या शो करते हैं, ये टेंस को शो करते हैं. इससे हमें पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस है वो किस टेंस में है. They also indicate the tense when they are used as main verbs. और जब ये main verb के साथ, main verb के साथ use होते हैं helping verb की तरह, तो ये tense को show करते हैं, तब भी ये tense को show करते हैं. For example, I am writing an essay. तो यहाँ पर am क्या है, ये am क्या है, यहाँ पर am helping verb है और ये main verb है. तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, ये टेंस को शो कर रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है. आई हैड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर ये अकेली वर्ब है तो ये क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, आई हैड ब्रेकफास्ट. आई वॉज डूइंग माई वर्क, तो यहाँ पर वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब. डूइंग क्या है, मेन वर्ब. तो ये भी हमें टेंस बता रही है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. We use be, do and has with will and shall to indicate the future tense. हम जो ये verb है be, do, has, इसको will और shall के साथ भी use करते हैं to indicate क्या दर्शाने के लिए, future tense. हमें पता है कि जो will और shall है ये future tense को show करते हैं. For example, we will be busy next week. कि हम अगले हफ्ते busy होंगे. We will be, तो be के साथ हमने will का यूज किया तो ये फ्यूचर का टेंस बन गया. We shall have completed our work by evening. तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने have का यूज किया और have के साथ shall का यूज किया तो ये फ्यूचर का टेंस बन गया कि हम शाम तक ये काम खत्म कर चुके होंगे. Be. We use the various forms of be. हम be की various form को use करते हैं, is, am, are, was, were, to form क्या बनाने के लिए, affirmative, negative और interrogative sentences. Affirmative क्या होते हैं, positive.
अफर्मेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, नकारात्मक और इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सुधा इज टाल अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, सुधा इज नॉट टाल नेगेटिव सेंटेंस है, इज सुधा टाल तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने बी की फॉर्म इज का यूज कर तीनों तरह के सेंटेंस को बनाए। वी एड नॉट आफ्टर बी टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। हम क्या एड करते हैं, नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें पता है हम नॉट एड करते हैं, तो हम बी के बाद नॉट का यूज करते हैं, बी की फॉर्म के बाद नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। एग्जाम्पल, आई एम नॉट वियरिंग माई रेनकोट, मैं अपना रेनकोट नहीं पहन रहा हूँ। तो ये एम क्या है, बी की फॉर्म है और उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो हमने बी के बाद नॉट का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया। वेन वी यूज बी विद विल और एंड शैल, जब हम फ्यूचर टेंस में विल और शैल के साथ बी का यूज करते हैं, वी एड नॉट बिफोर बी, तो हम नोट का यूज फ्यूचर टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए, तो हम नोट का यूज बिफोर से बी से पहले करते हैं। दूसरे सेंटेंसेस में तो हम बी के बाद करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, अगर प्रेजेंट का बनाना हो, पर अगर फ्यूचर का बनाना हो तो हम नोट का यूज बी की फॉर्म से पहले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमन विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्सर्ट, अमन क्या है, कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। विल नॉट बी, तो ये बी है, बी की फॉर्म है, तो इससे पहले हमने नॉट का यूज किया। वी प्लेस बी, हम बी को कहाँ प्लेस करते हैं, रखते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, तो हमें बी की फॉर्म है उसको हम पहले यूज करते हैं, तभी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, इज बंटी कमिंग विद अस, तो यहाँ पर बी की फॉर्म है इज, उसको हमने पहले यूज किया, क्या बंटी हमारे साथ आ रहा है। वर यू लिसनिंग टू द अनाउंसमेंट, क्या तुम अनाउंसमेंट को सुन रहे थे, तो वर भी बी की फॉर्म है, तो हमने इसको पहले यूज किया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। आगे है हैव, हैव का यूज भी सेम इसी तरह होता है। वी यूज द वेरियस फॉर्म्स टू ऑफ हैव टू फॉर्म अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, आई हैव सीन अ शूटिंग स्टार, मैंने एक स्टार को देखा, शूटिंग स्टार होते हैं जो टूटता हुआ तारा को देखा। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा, तो हैव ये हैव की फॉर्म है, हैज हैव हैड, तो यहाँ पे हैव का यूज किया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। वी एड नोट आफ्टर हैव टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नोट का यूज करते हैं आफ्टर हैव, जैसे गार्गी हैज नॉट कम टू स्कूल टूडे, तो यहाँ पे हैज का हैव की फॉर्म है ये हैज, और नोट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में हमने इसके बाद किया। वेन वी यूज हैव विद विल एंड शैल, वी एड नोट बिफोर हैव, तो यहाँ पर हम नोट का यूज कब करते हैं, बिफोर, पहले, हैव से पहले, जैसे हमने बी की फॉर्म में स्टडी किया था वैसे ही हम इसमें भी करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हामिद विल नॉट हैव एनी लंच, तो यहाँ पर हामिद विल नॉट हैव, तो विल का प्रयोग किया फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, और ये हैव की फॉर्म है, तो इससे पहले हमने नोट का यूज किया नेगेटिव सेंटेंसेस में, फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नोट का यूज हैव की फॉर्म से पहले करते हैं, हामिद ने कोई भी लंच नहीं किया होगा। वी प्लेस हैव एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर, क्या आपको चैप्टर समझ में आ चुका है। हैज एनी वन टोल्ड यू अबाउट द प्लान, क्या आपको किसी ने प्लान के बारे में बताया है, तो ये यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका यूज किया फॉर मेकिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डू,
वी यूज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डू. डू की वेरियस फॉर्म कौन सी है? डू, डज, डिड. अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए. उषा डज हर वर्क, उषा अपना काम करती है. उषा डज नॉट डू हर वर्क, उषा अपना काम नहीं करती है. ये पॉजिटिव सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस. डज उषा डू हर वर्क, क्या उषा अपना काम करती है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. वी एड नॉट आफ्टर डू टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस. डू की फॉर्म के बाद हम नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो द आंसर. तो ये डू डू की फॉर्म है, उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. When we use do with will and shall, जब will और shall के साथ do का use करेंगे तो हम not का use कब करेंगे? Be की और sorry do की form से पहले करेंगे negative sentences बनाने के लिए. For example, Virat will not do any work. Virat कोई भी काम नहीं करेगा. तो will का use किया और do की form में हमने not का use उससे पहले किया negative sentence बनाने के लिए. We place do at the beginning of the sentence to form interrogative sentences. For example, does Yusuf live in the next house? क्या यूसुफ अगले घर में रहता है? Does anyone know how to solve this problem? क्या किसी को पता है कि इस problem का solve कैसे करना है? I hope all of you understood this chapter. हमने इसमें read किया है कि जो verb की form है, verbs कौन सी? Do, बी और है, उनका यूज पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करना है. सो स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 51 ऑफ इंग्लिश ग्रामर ए पार्ट. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द बी, डू एंड हैव. करेक्ट फॉर्म है, क्या हमने इनमें करेक्ट फॉर्म का यूज करना है किसकी? बी की, डू की और हैव की इन सेंटेंसेस में. द फर्स्ट वन इज द वेदर डैश इज वेरी बैड टूडे. इज, आज मौसम बहुत खराब है. बी की फॉर्म है इज. इट विल बी वर्स टुमोरो, और ये कल उससे भी बुरा हो जाएगा. ये बी है तो विल के साथ बी का यूज किया हमने फ्यूचर टेंस में. श्रीधर डैश पास्ड हिज फाइनल एग्जाम इन अकाउंटेंसी. श्रीधर ने अकाउंटेंसी में अपना फाइनल एग्जाम पास किया. हैज पास्ड मतलब कर चुका है. ये हैव की फॉर्म है. दे डिस्कनेक्टेड दिस हिज टेलीफोन. उन्होंने उसका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया. ही डैश नॉट पेड हिज बिल्स फॉर 3 months, क्योंकि उसने 3 महीने से अपना बिल पे नहीं किया था. He had not paid, नहीं किया था 3 महीने से अपना बिल पे. We dash our homework in the evening every day. हम रोज शाम को अपना homework करते हैं. We do our homework in the evening every day. तो यहाँ पे हमने do का use किया. So the rest of the sentences you will do. B part. Rewrite these sentences in your notebook according to the instructions in the brackets. यहाँ brackets में कुछ instructions दी हुई हैं, उसके according आपको ये sentences दोबारा write करनी है अपनी copy में. The first one is given for you. We will do the second. Are you waiting for the bus? यहाँ पर हमने affirmative sentence बनाना है, मतलब positive sentence बनाना है. ये interrogative बना हुआ है, हमने इसका positive sentence बनाना है. तो क्या आएगा? यू आर वेटिंग फॉर द बस, तुम बस के लिए वेट कर रहे हो. दिनेश विल बी कलेक्टिंग द एक्सरसाइज बुक. तो हमने इसका क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो क्या आएगा? दिनेश विल नॉट बी कलेक्टिंग द एक्सरसाइज बुक. तो हमने पढ़ा था कि विल और शैल का यूज करते हुए और साथ में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम क्या करेंगे? जो नोट है उसका यूज हम बी से बिफोर पहले करेंगे. तो हमने क्या लिखा? दिनेश विल नॉट बी कलेक्टिंग द एक्सरसाइज बुक. कलेक्ट नहीं कर रहा होगा. एलमस इज फीलिंग अनवेल. ये इंटरोगेटिव है.
हमने ये सिंपल सेंटेंस है, सॉरी पॉजिटिव है, हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव बनाते हुए जो भी फॉर्म होगी बी की, डू की या हैव की, वो सबसे सेंटेंस में आगे चली जाएगी। तो क्या होगा, इज एलमस फीलिंग अनवेल, क्या वो अपने आप को अनवेल मतलब ठीक नहीं महसूस कर रहा है। द रेस्ट ऑफ द फोर सेंटेंसेस यू विल डू, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका भी पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाना है। सी पार्ट, से दिस सेंटेंस इज अलाउड इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, इनको इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाना है। वेरी इजी, ऑस्कर हैज गिवन यू अ लेटर टू बी पोस्टेड, हैज ऑस्कर गिवन यू अ लेटर टू बी पोस्टेड, हमने क्या करना है इन सेंटेंसेस में, हमने कुछ नहीं करना, जो भी बी की, डू की या हैव की फॉर्म होगी, जो भी आपको दिखाई दे रही होगी, उसको हमने सेंटेंस में सबसे आगे लाकर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना देना है। फॉर एग्जाम्पल, पायल हैज गिवन अवे हर ओल्ड शूज, हैज पायल गिवन अवे हर ओल्ड शूज क्वेश्चन मार्क। आई हैव टोल्ड माई पेरेंट्स द ट्रूथ, हैव आई टोल्ड माई पेरेंट्स द ट्रूथ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। राहुल एंड रंजीत हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैव राहुल एंड रंजीत बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। द रेस्ट ऑफ द फोर सेंटेंसेस यू विल डू, दिस इज वेरी इजी, मेक अ लिस्ट ऑफ टू डूज एंड टू डोंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द इन योर नोटबुक। ये ना फाइव सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, हमने तो करना है मेक अ लिस्ट ऑफ, दो तो सेंटेंस बनाने हैं पॉजिटिव, एक सेंटेंस बनाना है इसको लेकर जैसे बनाए, एक पॉजिटिव बनाना, डूज जो हम करेंगे और डोंट जो हम नहीं करते, उसको लेके हर एक सेंटेंस में दो दो सेंटेंस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सेव वाटर डूज, हम क्या करेंगे पानी सेव करने के लिए, और हमने डू का यूज करते हुए ये सेंटेंस बनाना है, डू पॉजिटिव में डू और नेगेटिव में डोंट। फॉर एग्जाम्पल, टू सेव वाटर, Do try to use less water while bathing. तो do का use करते हुए हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है हम try करेंगे, try करते हैं कि हम पानी कम use करें नहाते समय, और don't जो हम नहीं करते, don't keep the tap running, पानी की जो tap है उसको खुला मत छोड़ो while brushing your teeth, brush करते हुए। Two to save wildlife, wildlife को save करने के लिए हम क्या करेंगे, for example, Do need to educate people to save wildlife, और don't जो हम नहीं करेंगे, हम क्या क्या नहीं करेंगे, don't use such things which are made from animal's skin, जो animal की skin से बना हो उसको हम use नहीं करेंगे, ताकि wildlife जो वन्य जीवन है वो और secure हो सके। And the third sentence, fourth and fifth sentence you will do इन योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और समवन एल्स, किसी की भी हेल्प लेके आप ये सेंटेंस बनाएंगे, आप बनाएंगे डूस मतलब क्या हम करेंगे, मतलब टू इम्प्रूव डिसिप्लिन इन स्कूल, स्कूल में हम डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए क्या नहीं करेंगे, और क्या ऐसा नहीं करेंगे कि स्कूल में जो डिसिप्लिन है वो खराब ना हो, और डू और डोंट से शुरू होकर हमने ये सेंटेंस बनाने हैं। ई, कंप्लीट द questions फॉर योर answers, यूज द क्ल्यूज प्रोवाइडेड, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमें आंसर दिए हुए हैं, दीज आर आंसर्स, और ये कुछ क्ल्यूज हैं, इनका यूज करते हुए हमने क्वेश्चन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम, यू गो, इनका यूज करना है जॉगिंग, तो आंसर क्या है, येस आई गो जॉगिंग एवरी डे, मैं रोज जॉगिंग के लिए जाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, पूछेंगे डू यू गो जॉगिंग, ये दो क्ल्यूज हैं, इनका यूज करते हुए क्वेश्चन बनाना है, डू यू गो जॉगिंग, क्या आप जॉगिंग पे जाते हो, तो हम उसका क्या आंसर देंगे, येस आई गो जॉगिंग एवरी डे, मैं हर रोज जॉगिंग करता हूँ। सेकेंड, एनी वन और जॉग, इनकी हेल्प से, विद यू इनकी हेल्प सेंटेंस बनाना है, तो आंसर क्या है, नो आई जॉग अलोन, मैं अकेले जॉग करता हूँ। तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, डज एनीवन जॉग विद यू, क्या तुम्हारे साथ कोई जॉग करता है, जॉगिंग करता है, भागता है, नो आई जॉग अलोन। थर्ड, यू थिंक
दो क्लूज है, जॉगिंग इज गुड फॉर यू, इसको लेके क्वेश्चन बनाना है. आंसर क्या है? यस आई थिंक जॉगिंग इज गुड फॉर मी. हाँ मैं सोचता हूँ कि जॉगिंग जो है वो मेरे लिए अच्छी है. तो हम क्वेश्चन क्या पुट करेंगे? डू यू थिंक जॉगिंग इज गुड फॉर यू? क्या तुम्हें लगता है, सोचते हो कि जॉगिंग तुम्हारे लिए अच्छी है? तो आंसर कोई क्या देगा? यस आई थिंक जॉगिंग इज गुड फॉर मी. फॉर व्हेन यू स्टार्ट जॉगिंग, तो आंसर क्या है? आई स्टार्टेड जॉगिंग अबाउट अ ईयर एगो. मैंने एक साल पहले जॉगिंग शुरू की थी. आई जॉग अबाउट 20 किलोमीटर अ वीक. मैं एक सप्ताह में 20 किलोमीटर जॉग भागता हूँ. तो हम क्वेश्चन क्या पुट करेंगे? When did you start jogging? कि तुमने जॉगिंग कब शुरू की? तो आंसर क्या देगा? I started jogging about a year ago. मैंने एक साल पहले जॉगिंग शुरू की. So the rest of the two sentences you will do. So students, what is your homework? Your homework is you will read this chapter again and try to understand this. And do the A, B, C, D, E part of this chapter.